जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आया भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल का भयंकर तूफान। बीच मैदान पर ही इतने रन ठोकते से ही रच दिया ये बड़ा इतिहास, तोड़ा टेस्ट इतिहास का ऐसा इतने सालों पुराना रिकॉर्डिंग, जिसे जानने के बाद आप भी करोगे राहुल को सलाम। तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार केएल राहुल ने कौन सा वो बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया है दूसरे टेस्ट मुकाबले में, उसी रिकॉर्ड के बारे में। तो आप सभी इस रिकॉर्ड को जाने बिना कहीं भी मत जाइएगा और बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि जब मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे केएल राहुल, तो उनको आउट करने के लिए दक्षिण अफ्रीकाई टीम के तेज गेंदबाज ओलिवियर ने की एक ऐसी हरकत की देखने के बाद भड़क उठा पूरा भारत देश। हुआ था कुछ ऐसा तगड़ा ड्रामा, देखकर आपको भी आएगा गुस्सा। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो भी आपको दिखाएंगे और भी जो मैच से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में भी जानने वाले हैं। तो आप सभी इन खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी केएल राहुल को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट श्रृंखला में भाग ले रही है, जहां पर तीन मैचों की टेस्ट श्रृंखला का दूसरा टेस्ट मुकाबला अब खेला जा रहा है। तो वहीं दोस्तों दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी केएल राहुल के हाथों में थमाई गई है, जहां पर कप्तान विराट कोहली के इंजरी की वजह से बाहर होने के बाद कप्तान केएल राहुल बने। और इसी के साथ केएल राहुल ने दूसरे टेस्ट मुकाबले में जो कि साउथ अफ्रीका टीम के खिलाफ खेला जा रहे उसमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां पर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कुछ समय तक तो सही साबित हुआ नहीं। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी उस हिसाब से लगने लगा कि हाँ भारतीय टीम इस मुकाबले में वापसी कर रही है। जी हाँ दोस्तों हम आपको बताएं कि इस मैच में केएल राहुल और मयंक अग्रवाल जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तो लंच तक मयंक अग्रवाल 37 गेंदों में 26 रन बनाकर मार्को जिनसन की गेंद पर काइल वेरिने के हाथों कैच आउट हुए, जहां पर मयंक अग्रवाल ने 26 रन की पारी में मात्र 5 चौके लगाए। तो वहीं चितेश्वर पुजारा 33 गेंदों में 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे और वहीं अजिंक्य रहाणे पहली ही गेंद पर डुआने ओलिवर की गेंद पर कैच आउट हुए। और इसी के साथ भारतीय टीम के तीन बड़े विकेट वो भी सबसे महत्वपूर्ण वो बस मात्र 49 रनों के स्कोर पर ही गिर चुके थे। हालांकि दोस्तों फिर पारी को संभाला केएल राहुल और हनुमा बिहारी ने, जहां पर इन दोनों ही खिलाड़ियों ने बेहतरीन बल्लेबाजी कर भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो वहीं दोस्तों जहां एक तरफ केएल राहुल हनुमा बिहारी का साथ दे रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ हनुमा बिहारी भी बड़े बड़े शॉट खेलते हुए नजर आए, जहां पर आज केएल राहुल ने अभी तक बल्लेबाजी करते हुए इतने रन बना लिए हैं। और ऐसे में दोस्तों इसी दौरान केएल राहुल अब अपने अर्धशतक और शतक की तरफ आगे बढ़ चुके हैं और उम्मीद है कि केएल राहुल ये कारनामा भी कर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों इसी बीच हम आपको बता दें कि केएल राहुल ने आज दूसरे टेस्ट मुकाबले में एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। दरअसल दोस्तों केएल राहुल आज जैसे ही भारतीय टीम की कप्तानी संभालते हुए नजर आए उसी के साथ उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की एक रिकॉर्ड में बराबरी कर ली। दोस्तों आप सभी ने सही सुना, दरअसल राहुल सबसे कम फर्स्ट क्लास मैचों में कप्तानी करने के बाद टेस्ट क्रिकेट में भारत की कप्तानी करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जहां पर भारत का कप्तान बनने से पहले राहुल को सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच में कप्तानी करने का अनुभव था। और वहीं धोनी ने भी भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी संभालने से पहले सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच में कप्तानी की थी। और इस लिस्ट में पहले स्थान पर अजिंक्य रहाणे हैं, जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बतौर कप्तान एक भी मैच खेले बिना भारतीय टेस्ट टीम की कप्तान बने थे, जहां पर सबसे कम फर्स्ट क्लास मैचों में कप्तानी करने के बाद टेस्ट क्रिकेट में भारत की कप्तानी करने वाले खिलाड़ियों की सूची कुछ इस तरह से, जैसे कि आप सभी अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हो, अजिंक्य रहाणे ने एक भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला था और वो सीधा कप्तान बने थे भारतीय टेस्ट क्रिकेट के। तो ही महेंद्र सिंह धोनी और केएल राहुल अब बतौर रूप से दूसरे नंबर पर आ चुके हैं फर्स्ट क्लास मुकाबला खेलने के साथ। तो वही दूसरे नंबर पर जीएस रामचंद्र का नाम निकल कर आता है जिन्होंने 2 फर्स्ट क्लास मैच खेले थे, और वही चौथे नंबर पर वीरेंद्र सहवाग और विराट कोहली निकल कर आते हैं जिन्होंने 3 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। बाकी पूरी लिस्ट भी आप सभी यहां पर देख सकते हो। तो वही दोस्तों हम आपको बता दें कि कोहली पीठ के चोट के कारण इस मुकाबले से बाहर हुए थे और उनकी जगह प्लेइंग 11 टीम में मौका हनुमा बिहारी को दिया गया, जहां पर हनुमा बिहारी ने अपना आखिरी टेस्ट जनवरी 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेला था। तो वहीं केपटाउन में होने वाला तीसरा टेस्ट मैच विराट कोहली के करियर का 100वां टेस्ट मुकाबला होगा, लेकिन अब उन्हें फरवरी में श्रीलंका के खिलाफ होने वाली सीरीज का इंतजार करना होगा। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर केएल राहुल ने विराट कोहली की गैर मौजूदगी में काफी बड़ा कीर्तिमान तो अपने नाम कर लिया, लेकिन अब आपकी क्या राय है केएल राहुल के इस रिकॉर्ड के बारे में और आप केएल राहुल को 10 में से कितने अंक दे
करना चाहोगे उनकी शानदार इस रिकॉर्ड के बारे में जानने के बाद आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला जोहान्सबर्ग में खेला जा रहा है, जहां पर इस दूसरे मैच में भारतीय टेस्ट टीम के नियमित कप्तान विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं और उनकी जगह पर केएल राहुल कप्तानी करते हुए आज मैदान पर दिखाई दिए। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि आज भारतीय टीम में दूसरे टेस्ट मुकाबले में काफी बड़े बड़े बदलाव हुए, जहां पर विराट कोहली को दूसरे टेस्ट मुकाबले की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया और ऐसे में उनकी जगह पर टीम में हनुमा बिहारी को शामिल किया गया था। और वहीं दूसरे टेस्ट के लिए इस टीम में सिर्फ यही एक बड़ा बदलाव हुआ। तो वहीं दोस्तों आज जब कप्तान विराट कोहली की जगह पर केएल राहुल बतौर कप्तान मैदान पर उतरे तो उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां पर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला भारतीय टीम के पक्ष में ही ज्यादा हुआ दिखाई दिया, अच्छी पारी खेलते हुए नजर आएंगे। और दोस्तों ऐसा ही हुआ, दरअसल दोस्तों यहां पर केएल राहुल एक छोर पर खड़े होकर धीमी गति से रन बना रहे थे और मैदान को समझने और पिच को भापने का पूरा वो प्रयास कर रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मयंक अग्रवाल आज आते से ही अपनी ताबड़तोड़ लय में दिखाई दिए। जी हां दोस्तों, मयंक अग्रवाल ने पहले तो आते से ही पहले ही ओवर में 3 बड़े चौके लगा डाले, जिसके चलते उनकी बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज ये टेस्ट मुकाबले को T20 मैच बनाने के लिए ही मैदान पर उतरे हैं। और वहीं दोस्तों मयंक अग्रवाल यही नहीं रुके, मयंक अग्रवाल ने तो बस मात्र 15 गेंदों में ही 26 रनों की पारी भी खेल डाली थी। हालांकि दोस्तों फिर केएल राहुल के समझाने के बाद मयंक अग्रवाल काफी ज्यादा धीमी पारी को खेलने लगा, पर दोनों ही बल्लेबाजों ने खबर बोले जाने तक लाइव स्कोर कार्ड में इतने रन बना लिए। जैसा कि आप सब यहां पर देख सकते हो कि केएल राहुल ने अब तक इतने रन बनाए हैं और इतने रन पर उन्होंने इतने चौके लगाए हैं, जैसा कि आप सभी की स्क्रीन के सामने दिखाया जा रहा है। तो वहीं बात करें कि मयंक अग्रवाल की, तो मयंक अग्रवाल ने 36 गेंदों में इतने रन अभी तक बना लिए। और तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, न्यूजीलैंड क्रिकेट ने जीता दिल, कैंसर से लड़ रहे इस बच्चे को बनाया ड्रेसिंग रूम का हिस्सा। जी हां दोस्तों, माउंट मंगनोई में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां पर दूसरे दिन के खेल के दौरान न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम में एक बच्चा देखा गया जो ऑलराउंडर डेरिल मिचेल के साथ बैठा हुआ दिखा। और यह बच्चा किसी खिलाड़ी या सपोर्ट स्टाफ के सदस्य का नहीं, बल्कि इस बच्चे का नाम जैकब है, जो कि कैंसर से जंग लड़ रहा है। तो वहीं न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दूसरे दिन के खेल के दौरान जैकब को ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बनाने की अनुमति दी। तो दोस्तों ये काफी अच्छी खबर है, बाकी अब आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये, क्लास और बढ़ा और फिर घर के बाहर यादगार जीत का सिलसिला शुरू हुआ था, तो वाल ने 117 रनों की साझेदारी की। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।